नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आप सभी देख रहे हैं ब्रजवासी कर। उम्मीद करती हूँ आप सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने और अपनों का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसे कि दोस्तों, आप में से बहुत से लोग हमेशा कमेंट्स करते हैं, हमें कोई नेचुरल फेयरनेस क्रीम बताओ जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, सेफ़ हो, हम लॉन्ग टाइम भी यूज़ कर सकें। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। मैं दो क्रीम्स बताऊंगी, आप जो भी अफोर्ड कर सकें, जो आपके बजट में हो, जो आपकी स्किन प्रॉब्लम से रिलेट करे, आप उसे परचेस करके यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से करना है सब कुछ इस वीडियो में हम जान लेंगे। आई होप अभी तक आपने ब्रजवासी कर को सब्सक्राइब कर दिया हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप बहुत सारे प्रोडक्टों के बीच में कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं इन दो प्रोडक्टों को आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो दोस्तों, जिनकी स्किन नॉर्मल है, जिन्हें कोई भी स्किन इशूज नहीं है, सिर्फ वो अपने स्किन टोन को कुछ से लाइट करना चाहते हैं, या हल्के फुल्के ब्लैक हेड वाइट हेड्स हैं, या एक्ने के नए नए मार्क्स हैं, तो उन सभी स्किन प्रॉब्लम पर आप यूज़ कर सकते हैं एक्वी प्लस क्रीम। ये एक होम्योपैथिक क्रीम है, बिल्कुल सेफ है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को ऑयली भी नहीं करती है, बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करती है। 25 ग्राम का ट्यूब 90 रुपये में इजीली आपको सभी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप इसे ऑनलाइन भी ट्राई कर सकते हैं, वहाँ भी ये अवेलेबल रहता है। इसमें बर्बेरिस एक्यूफोलियम है, इसमें है कुरकुमा लौंगा है, इसमें कैलेंडुला है, थूजा है। तो ये जो इंग्रेडिएंट हैं, ये होम्योपैथिक में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये आपकी स्किन से मेलानिन को कम करते हैं, एक्ने है आपको, ब्लैक एंड वाइट हेड्स हैं, या नए नए मार्क्स हैं, तो उस पर ये बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्ने है तब ये काम नहीं करेगा। स्किन लाइटनिंग के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मली एक डे फेयरनेस क्रीम की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। इसको टीनेजर्स भी यूज़ कर सकते हैं, इसका किसी भी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आप इसे लॉन्ग टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, कभी भी, जैसे आप अपनी कोई भी डे क्रीम यूज़ करते हैं उसी तरीके से। और इसको इस्तेमाल करने के बाद में आप बाहर धूप में भी जा सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है जो धूप से रिएक्ट करे या धूप में जाने के बाद में ऑक्सीडाइज हो जाए, तो ये बिल्कुल ही सेफ है। अब हम आते हैं अपने दूसरी क्रीम पर। तो ये है दोस्तों कोजीविट अल्ट्रा जेल। ये 30 ग्राम का ट्यूब आता है, 550 रुपीज़ में आपको इजीली मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, ऑनलाइन भी अवेलेबल रहता है। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज़ किया गया है वो स्पेशली आपके स्किन में पाए जाने वाले मेलानिन को कम करने के लिए यूज़ किया गया है। इसे आप फेयरनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, रिंकल्स को दूर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक्ने को ख़त्म करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और ख़ास करके इसे आप पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, डार्क स्पॉट को दूर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जैसे कि एक मेडिकेटेड क्रीम है, इसे यूज़ करने का भी एक तरीका है। आप इसे रेगुलर नाइट में 2 मंथ यूज़ करिए। अगर आपको बहुत ही कम स्किन प्रॉब्लम है तो आप 1 मंथ ही यूज़ करिए, अगर बहुत ज़्यादा है तो कम से कम 2 महीने यूज़ करिए। आपको बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, लगातार कम से कम 2 महीने तो यूज़ करिए। 10 से 15 दिन में रिजल्ट मिले ऐसा बिल्कुल भी सोचिए भी मत, क्योंकि ये स्टेरॉइड फ्री हैं, इनमें कोई भी ऐसा केमिकल यूज़ नहीं किया गया जो आपकी स्किन पर बहुत जल्दी रिजल्ट देने के बाद आपकी स्किन को बहुत जल्दी ख़राब भी कर दे। तो ये इसी तरीके से वर्क करेंगे। इसमें है मलबेरी एक्सट्रैक्ट, एलेंटोइन है, लोकोराइस एक्सट्रैक्ट इसमें 40% में यूज़ किया गया है। इसमें है वाइटमिन B3, 4% कोजिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड है, और अर्बुटीन है, जो स्किन लाइटनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये आपकी स्किन से डेड सेल्स को रिमूव करता है, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, हेल्दी रखता है। लेकिन इसको आपको सिर्फ नाइट में ही यूज़ करना है, और जब तक आप इसको यूज़ कर रहे हैं आपको डे में सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करनी है। अगर आप इसको नाइट में यूज़ कर रहे हैं तो आप एक्वी प्लस क्रीम को भी दिन में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करनी है। हर एक उम्र में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्वी प्लस क्रीम को आप 12 की उम्र के बाद कभी भी यूज़ कर सकते हैं, और जो कोजीविट अल्ट्रा जेल है उसे आप कोशिश करें 18 की उम्र के बाद ही यूज़ करें। और जो प्रेग्नेंट लेडी हैं या वो लेडी जो अपने बच्चों को फीड कराती हैं, उसे कोजीविट अल्ट्रा जेल को यूज़ नहीं करना है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहे, आप सभी के सवालों के जवाब आपको मिल गए हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।